एक स्पाइक आया और लॉस देके चला गया, अदरवाइज यू नो इट वॉज अ गुड ट्रेड, अगर एंड तक रखा होता स्टिल इट वुड हैव बीन अ गुड ट्रेड, बट दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो के अंदर हमने क्या ट्रेड लिया था, किस तरह से हमें प्रॉफिट हो रहा था, एक स्पाइक आया कैसे वो प्रॉफिट को लॉस में तब्दील करके चला गया, और किस तरह से हमने हमारी पोजीशंस को मैनेज किया। चलिए ले चलता हूँ आपको। सबसे पहले आप यू नो स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो देयर इज अ लॉस ऑफ 4090। 4090 का इंट्राडे लॉस हुआ है, एक ही ट्रेड लिया था। सो सबसे पहले लेट मी शो यू द ट्रेड, ऑर्डर बुक में ले जाता हूँ। ऑर्डर बुक में आप देख सकते हो 957 को मैंने 22400 का कॉल बाई किया और 5 सेकंड बाद 22350 का कॉल मैंने सेल कर दिया। कुल मिला के मैं हमेशा एक हेजिंग स्ट्रेटजी जिसको हम कहते हैं क्रेडिट स्प्रेड, उसका मैं यूज करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो व्यू बनाया था दैट वाज अ बेरिश, क्योंकि 22400 का कॉल बाई किया और 350 का कॉल सेल कर लिया, इफेक्टिवली मैंने एक बेरिश पोजिशन बनाया, इसे हम कहते हैं बेयर कॉल स्प्रेड। बेरिश पोजिशन को कॉल के जरिए एग्जीक्यूट किया, बेयर कॉल स्प्रेड इसे हम कहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्रेडिट स्प्रेड। 1000 क्वांटिटी ट्रेड किया था, ये आपको बता देना चाहता हूँ कि मार्च महीने से हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया है, क्योंकि पिछले 2 महीने हमारे लिए प्रॉफिटेबल थे और एक कंसिस्टेंट स्टेबिलिटी देखने के बाद हमने डिसीजन लिया है कि 15 लॉट के बदले अब हम 20 लॉट में ट्रेडिंग करने वाले हैं। सो बेरिश ट्रेड लिया 957 को। एक चीज यहां पे आप देखिए, मैंने 45 मिनट तक वेट किया था या तो 42 मिनट तक वेट किया था। मैं यहां पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप में इतना पेशेंस है कि आप अपने सेटअप के लिए मार्केट ओपन होने के 47 मिनट्स तक वेट करते हो, यस और नो? सी प्रॉफिट लॉस एंड रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं होता है। व्हाट आई कैन टीच यू, व्हाट आई कैन यू नो, व्हाट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस, हाउ इम्पोर्टेंट योर प्रोसेस इज। और अगर आप एक चीज और भी गौर से समझो कि मैंने 1000 क्वांटिटी ट्रेड करी थी और 4000 का लॉस है, इफेक्टिवली माई लॉस इज ओनली एंड ओनली 4 पॉइंट्स। इजंट इट अमेजिंग माय डियर, ओनली 4 पॉइंट्स ऑफ लॉस। एंड आई नो दैट जब एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, जब मेरा दिन होगा ना, मैं आराम से 15-17 पॉइंट कमाने वाला हूँ। 1570 पॉइंट्स इज समथिंग वेरी इजी ऑन अ गुड डे यू नो विद द स्प्रेड। तो आई डोंट माइंड गिविंग 4 पॉइंट्स, आई डोंट माइंड गिविंग 2 पॉइंट्स। कल मेरा 2000 का लॉस था, दैट वॉज ओनली 2 पॉइंट्स, बिकॉज आई नो वेन आई विल मेक 15-17 पॉइंट्स एंड दैट इज समथिंग दैट विल कवर एवरीथिंग एंड दैट विल मेक मी प्रॉफिटेबल। अगर आप इस बात से एग्री करते हो, पावरफुल महसूस कर रहे हो, प्लीज टाइप पावरफुल इन द कमेंट बॉक्स। चलिए, सो कल यू नो जब मैंने निफ्टी एनालिसिस का वीडियो बनाया था, तब ये कहा था कल के दिन क्या एक रेंज ड्रॉ किया था। कल का दिन पूरा दिन ना इसी रेंज के अंदर फंस गया था। एंड मैंने कल की वीडियो में बता दिया था कि जब तक ये रेक्टेंगल के अंदर, जब तक ये बॉक्स के अंदर रहेगा, मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करने वाला हूं। सो पहले वही हुआ, यू नो थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, ह्यूज गैप, मतलब ह्यूज फॉल, ह्यूज रिकवरी, ऊपर तक गैप। पहली 5 मिनट में अफड़ा तफड़ी थी, और वैसे भी मैं 9:30 तक, तो 9:30 के पहले कभी ट्रेड करता भी नहीं हूं। फिर से वेट किया, ये रेंज के अंदर फंसा था, कुछ भी करना नहीं था। फिर आई ये कैंडल 955 टू 910 वाली, जिसने ये प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया। इसके पहले एक चीज और हो रही थी कि जो पहली 5 मिनट का हाई था ना, उसके ऊपर देखो मार्केट जा ही नहीं रहा था, इनफैक्ट लोअर हाई बना रहा था। और ये रेड कैंडल ने जब प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया, ओआई डेटा भी बेरिश था, और तीसरा कंफर्मेशन मेरे पास ये था कि 22,350 के कॉल और 22,400 के कॉल, ये दोनों कॉल ऑप्शन में ओपन इज इक्वल टू हाई थे। तो देखिए, मैंने 3 क्राइटेरिया मैच करने के बाद ट्रेड लिया था। नंबर 1, प्रीवियस डे का लो ब्रेक किया। नंबर 2, ओआई डेटा बेरिश था। नंबर 3, 22,350 एंड 400 के कॉल में ओपन इज इक्वल टू हाई था, जो एक बेरिश इंडिकेट कर रहा था। ट्रेड लिया, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, देयर वाज अ ह्यूज फॉल आफ्टर आई टुक द ट्रेड। 6,000-6,500 का प्रॉफिट भी यहां पे दिख रहा था। फिर थोड़ा रिट्रेस किया, यहां तक आया, आई वॉज नॉट वरीड, क्योंकि यहां पे गैप बना था। ये मेरी एक छोटी सी गैप थियरी है जो मैं मेरी कम्युनिटी में बता चुका हूँ, एग्जैक्ट उस गैप को टच करके फॉल करने लगा। सो आई थॉट कि चलो ठीक है, बेरिशनेस है, आई शुड होल्ड द पोजीशन। फिर यहां से एक कैंडल आई 60 पॉइंट की। अब जब 60 पॉइंट की एक कैंडल बन रही हो, एट दैट टाइम नथिंग इज एनीबॉडीज हैंड। अब मैं ऑलरेडी यू नो स्प्रेड कर रहा हूं, आई कैन नॉट डू लाइक दैट कि चलो एक लेग एग्जिट किया, दूसरा लेग एग्जिट करूंगा, 2 मिनट बाद करूंगा, तब तक, बिकॉज 1000 क्वांटिटी इज देयर, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है।
तो बड़ी कैंडल को मैंने शांत होने दिया एंड देन आई एग्जिटेड द पोजिशन विद अ लॉस। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया। दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दैट वी फॉलो। आई होप यू लव द वीडियो। मैं आपसे चाहता हूं कि आप वीडियो में जरूर लिख के बताइए आपकी इस वीडियो से बड़ी लर्निंग क्या है। एक पेशेंस, वेटिंग फॉर द सेटअप, या तो नंबर टू रिस्क मैनेजमेंट की चलो एक ट्रेड में लॉस हो गया, मार्केट इज नॉट गिविंग दैट स्टेबिलिटी, बेटर नॉट टू ट्रेड। पेशेंस, रिस्क मैनेजमेंट, वेटिंग फॉर द सेटअप, व्हाट इज योर बेस्ट लर्निंग? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलता हूं अगले वीडियो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया।